एक छोटा सा गांव था जहां हर कोना एक कहानी छुपी हुई थी। गांव का नाम था चंदनपुर और यहां की सदियों पुरानी हवेलियों में भी कुछ राज छुपे हुए थे। इस गांव में रहने वाले लोग समझते थे कि उनके जिंदगी के रास्ते अंधेरे से भरे हुए हैं, लेकिन कुछ ही दूरी पर एक छोटा सा झरोखा था जिसकी रोशनी हर किसी के लिए नया सवेरा लेकर आती थी। इस कहानी की मुख्य नायिका एकता एक साधारण लड़की थी जो अपने परिवार के साथ चंदनपुर में रहती थी। उसके दिल में भी कुछ सपने थे, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उन्हें पूरा करे। एक दिन उसने अपने दोस्तों से सुना कि गांव के बाहर एक रास्ता है जिसे लोग रोशन रास्ता कहते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति इस रास्ते को पार करता है उसकी जिंदगी में चमक आती है। एकता ने सोचा, क्यों ना मैं भी इस रोशन रास्ते की तलाश में निकलूं। उसने अपने मन में तय किया कि अगले महीने जब नया साल आएगा तब वो इस सफर पर निकलेगी। नए साल का दिन आया, चंदनपुर में एक नया दिन, नई उम्मीदों के साथ। एकता ने अपने साथियों को साथ लेकर रोशन रास्ते की तरफ बढ़ना शुरू किया। रास्ते में आने वाले मुश्किलें उनके हौसलों को काम नहीं कर सकती थी, पर उनका हौसला बुलंद था और उन्होंने एक दूसरे का साथ दिया। जब वो रोशन रास्ते पर पहुंचे तो उनको एक प्रकाशमणि मिली। प्रकाशमणि में लिखा था, जो भी यहां से गुजरेगा उसकी जिंदगी में खुशियां भर जाएंगी। एकता ने इस प्रकाशमणि को अपने साथियों के साथ पढ़ा और उनका मन भरा हुआ था उम्मीद और विश्वास से। उन्हें अपने घर वापस लौटाने का फैसला किया, लेकिन इस सफर ने उन्हें नए इरादे जगाए। एकता ने अपने गांव को बदलना था, उसने सोचा। वो गांव की सबसे बूढ़ी और समझदार महिला दादी माँ से मिली और उसने अपने इरादे का इजहार किया। दादी माँ ने भी एकता को समझा और उनके साथ मिलकर गांव की तरक्की के लिए नए कदम उठाने का फैसला किया। उन्हें मिलके एक नया स्कूल बनाया, किसानों के लिए आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल शुरू किया और गांव में रोजगार के नए अवसर खोले। चंदनपुर में अब एक नई रोशनी आई थी, एक नया सवेरा। रोशन रास्ते की कहानी थी एक सीखने वाली, एक जज्बात से भरी कहानी। ये दिखता है कि कभी कभी हमें अपने आसपास के रास्ते बदलने चाहिए, नए सपने देखने चाहिए, और जब हम मिलके काम करते हैं तो असल में कुछ बड़ा कर सकते हैं। इस कहानी ने एकता को एक नया मकसद दिया। उसने अपने सपनों को पूरा करने का फैसला किया और उसने अपने गांव को एक नया जहां बनाया।